नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। जापान में भूकंप के बाद सुनामी। जापान में मंगलवार सुबह आए भूकंप के बाद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पास के तट पर सुनामी की 1 मीटर ऊंची लहर उठी। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर के ऑपरेटर ने यह जानकारी दी। इलाके में 6.9 तीव्रता का भूकंप आने के बाद टेलीविजन पर प्रसारित एक संवाददाता सम्मेलन में TEPCO के एक अधिकारी ने कहा कि सुनामी स्थानीय समयानुसार सुबह 6:38 पर आई। TEPCO के प्रवक्ता ने बताया कि इस लहर के कारण किसी प्रकार की समस्या पैदा होने की कोई सूचना नहीं मिली है। फुकुशिमा से करीब 70 किलोमीटर दूर सेंदाई में 1.4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें देखी गई। चेतावनी जारी करते हुए बताया गया था कि समुद्र में करीब 10 फुट ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं, लेकिन ये चेतावनी अब वापस ले ली गई है। सरकार ने 2001 की भयंकर सुनामी से सबक लेते हुए अपने सभी परमाणु संयंत्र बंद कर दिए हैं। इसके अलावा राजधानी टोक्यो में बिजली आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 2011 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद आई सुनामी लहरों के कारण फुकुशिमा के परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान हुआ था। जापान में कैबिनेट के मुख्य सचिव योशीहिदे सुगा ने कहा कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के तीसरे रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। हालांकि अभी तक तापमान बढ़ने के संकेत नहीं है, न ही दूसरे परमाणु संयंत्र में कोई अनियमितता दिखी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कार्यबल का गठन किया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र में नुकसान की जाँच कर रही है। कुमामोटो प्रांत में इस वर्ष अप्रैल में आए भूकंप में 50 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2011 में फुकुशिमा में भूकंप के बाद विनाश में 18,000 से ज्यादा लोगों की या तो मौत हो गई थी या फिर वे लापता हैं। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयकर विभाग के निशाने पर आई जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का निधन। पाक से लगी सीमा पर अब नागरिकों के लिए बनेंगे बंकर। नुस्ली वाडिया ने टाटा सन्स को मानहानि का नोटिस भेजा। उड़ीसा में बैंक से 1 करोड़ रुपए से अधिक के पुराने नोटों की चोरी।